में शहीद हुए लोगों को कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी है और उन्हें शहादत के रूप में इस दिन को मनाया है। आपको बता दें, 6 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ अभी भी खाली हैं। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये हमला सुपारी किलिंग था, जो सोच समझकर हमला किया गया था, और इसी हमले पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने झीरम का अधूरा सच नाम से बुक निकाली है। झीरम कांड को आज 6 बरस हो चुके हैं, यानी आज 6वीं बरसी है जिसे कांग्रेस आज शहादत दिवस के रूप में मना रही है। लेकिन 6 बरस के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है और जो भी टीम गठित की गई है इसमें वो बेनतीजा है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पास हैं कुणाल शुक्ला जी, प्रीति उपाध्याय जी। तो इनसे जानेंगे जो झीरम घाटी पर बुक लिखे हैं और काफी कुछ रिसर्च किए हैं, तो आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। जी प्रीति जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक किसी का दायित्व तय नहीं किया गया है इसमें। बिल्कुल, देखिए इसके घटना के कुछ दिनों के अंदर ही विधानसभा में स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने, दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि चूक तो हुई है। तो और इसमें षड्यंत्र का एंगल भी है, जब तक नतीजे नहीं आते सामने, चाहे चूक हो या षड्यंत्र, मेन बात यह है कि आज तक जवाबदेही कुछ भी तय नहीं हुई है। चूक तो निश्चित तौर पर थी, जब चूक थी तो क्यों आज तक इस चूक का के पीछे जिम्मेदार कौन था, कौन अफसर थे, या कोई हवलदार भी अगर था जिसकी चूक थी, तो उसकी जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई, ये आज के 6 साल बाद, इस घटना के 6 साल बाद ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जी, हमारे साथ कुणाल शुक्ला जी भी हैं, इनसे जानते हैं। सर, आपने काफी कुछ इसमें रिसर्च किया है, क्या मायने समझ में आ रहा है इसमें, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है अब तक? देखिए, एनआईए की जांच जो हुई है उसमें अपनी कुछ बहुत सी छोटी छोटी चूके हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का जो बयान एनआईए को लिया जाना था, एनआईए ने वह लिया नहीं। कुछ लोगों ने शपथ पत्र भी दिया, जैसे कि मैं नाम लेके कहना चाहूंगा, दौलत रोहड़ा जो कि विद्याचरण जी के काफी करीबी लोगों में है, विद्याचरण शुक्ल के जो ड्राइवर जो थे के बाला, उनका भी कथन बयान उनको लेना था, परंतु एनआईए ने लिया नहीं। ऐसे कई प्रत्यक्षदर्शियों को मैं जानता हूं, घटना स्थल में होने के बाद भी आज तक पुलिस या एनआईए ने यह नहीं पूछा कि हुलिया क्या था, जो नक्सली कमांडर था उनका स्केच जारी किया जाना था। आप देखेंगे कि छोटे मोटे मामलों में पुलिस जो है चैन छीनने वालों का या पॉकेट मारों का स्केच जो है जारी कर देती, परंतु इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है, आज की दिनांक तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देशवासी जानते नहीं है कि नक्सलियों का हुलिया क्या था। जी, आपने काफी रिसर्च किया इसमें, तो ये एक षड्यंत्र था या वारदात थी? निश्चित रूप से मैं तो उसको एक षड्यंत्र मानूंगा, मैं इसको मानूंगा कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत ये इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। हमको जानना होगा इस घटना को अंजाम दिए जाने से किन लोगों को फायदा होने जा रहा था। नंद कुमार पटेल के नहीं रहने से आखिर किसको फायदा होता, विद्याचरण शुक्ल के नहीं रहने से आखिर किसको फायदा होता, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जैसा जो है व्यक्ति मारा जाता है, उनके नहीं रहने से इसमें किसको फायदा होता। और मैं बताऊंगा आपको, एक प्रकार से सुपारी किलिंग थी ये, वहां पे नक्सलियों ने नाम पूछ कर मारा कि कौन है नंद कुमार पटेल, कौन है जो अन्य लोग हैं, उनका नाम वहां पे लिया, प्रत्यक्षदर्शियों ने हमको ये चीज बताई है। ये थे कुणाल शुक्ला और प्रीति उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि अब तक किसी का जिम्मेदार तय नहीं किया गया है, ये किसी भी प्रकार की घटना नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी, लेकिन पुलिस के जो कार्रवाई है उस पे तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बुक है जिन पे उन्हें रिसर्च किया काफी दिनों के बाद, ये बुक को निकाले, इसके आधार पर वो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। आगे किस तरह से कार्यवाही की जाएगी ये सबके सामने देखने वाली बात होगी। कैमरा मैन राहुल के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बुलेटिन में लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर।